असलम कैसा आप सब लोग अच्छा भाई अभी मैं जा रही हूँ डिप्लेक्स में आज जो है ना मैंने उनके साथ एक कलेब्रेशन की है मतलब मैंने उनके काफ़ी शूट्स के ना क्लिप्स वगैरह देखी थी और काफी अच्छा मेकअप का हुआ हुआ था और काफी डिप्लेक्स आपको पता है बेस्ट रिव्यूड में आता है तो हम लोग मैंने कहा चले देखते हैं यार मेरे ऊपर कैसा मेकअप करते हैं वो लोग और कैसा आता है लुक मतलब एक तरीके से ये हमारा एक बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट लुक भी है मतलब हम देखेंगे वाकई में अच्छा मेकअप है नहीं है क्योंकि मुझे तो हर चीज़ की समझ है तो दूसरी चीज़ें थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह लेनी है इंस्टाग्राम के लिए तो वो

वही तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं काफ़ी भारी ड्रेस है इसे चल के दिखाती हूँ आपको मैं यहाँ पे लाइट्स काफ़ी कम है ड्रेस काफ़ी मजे का है ये देखें तो बहुत प्यारा ड्रेस है और लाइट बहुत कम है तो देखते हैं ऊपर मेकअप रूम वाली जगह पे लाइट होगी तो वहाँ पे सही से, से समझ आएगा कौन सा प्राइमर लगा रहे थे पंखे का शोर बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ प्राइमर बहुत अच्छा था एकदम ल्यूमिनस फिनिश दे रहा था पोर को ब्लर कर रहा था और स्टिकी भी था थोड़ा सा कि फाउंडेशन चिपक गई थी प्राइमर के साथ उसके बाद फाउंडेशन इन्होंने लगाई थी मुसरत विस्बा की आलमॉन्ड शेड और एक और शेड मिक्स किया था साथ में आई थिंक आयवरी था या कौन सा था मुझे नहीं पता क्योंकि इनकी मेकअप की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी फाउंडेशन का क्लिप जो है ना मैंने पूरा दिखा दिया आपको आप देखें ब्लैंडिंग कितने अच्छे कर रही है सही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट थे इनके उसके बाद इन्होंने मुझे इंडियन पेनकेक लगाया है और इसका जो शेड था ना वो पिंकिश शेड था मैंने आपके साथ इसके ना ऑलरेडी शेयर वो मेहंदी भी लगा रहे थे ना हाथ खाली लग रहे थे तो यहाँ पे देख ले फाउंडेशन अभी सेट करने के लिए छोड़ी हुई है जो लूज शाइनर होते हैं वो अब वो मुझे नहीं पता कौन सा लगाया था क्योंकि ना स्पीड मैंने आपको बताया बहुत तेज स्पीड थी आधे घंटे में मेरा मेकअप हो गया था कंप्लीट और आधे घंटे में बीच में कोई जूस वगैरह पीना या थोड़ा सा सांस लेना या कोई और क्लाइंट क्योंकि और भी ब्राइडल शूट हो रहे थे ब्राइड्स भी आई हुई थी तो उनके साथ भी लगे हुए थे वो लोग तो यहाँ पे मैं आपको साइड से अपनी कंटोरिंग दिखा रही हूँ दोनों साइड से कंट्रोल पैलेट कौन सा यूज़ किया था मुझे नहीं पता लेकिन बहुत पिगमेंटेड था तो उससे इन्होंने मेरे फुल फेस की कंट्रोलिंग की आपको नजर आ रहा होगा चीक्स कट किए हैं फिर नोज़ की कंट्रोलिंग फिर फॉर की कंट्रोलिंगिंग है फिर जॉलैंड की कंट्रोलिंग है, है तो कंट्रोलिंग भी मुझे बहुत मज़े की लग रही थी वैसे भी आप सबको पता है मुझे मेकअप में कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है वैसे मोस्टली जो डिप्लेक्स में मेकअप यूज़ होता है ना वो मुसरत मिसबा का ही यूज़ होता है क्योंकि डिप्लेक्स है ही उनका उसके बाद जिन्होंने मुझे ब्लश लगाया है पहले मैं बोल रही थी इतना ज़्यादा ब्लश लगा दिया यार बहुत बुरा लगेगा ये वो लेकिन उन्होंने बोला कि शूट के लिए जो

यानी कि है थी ये लिपस्टिक जो थी ना वो ब्लिड लिपस्टिक जो होती है वो थी लेकिन फिर भी फैल ही नहीं है लिपस्टिक बिल्कुल भी एंड तक भी मेरे शूट पे एज इट इज़ रही है मतलब कोई भी ना मेरा मेकअप क्रीज़ हुआ था ना मेरे मेकअप पे कहीं पे कोई लाइंस आई थी ना कहीं से हटा मेकअप ना ब्लश लगाने की दोबारा जरूरत पड़ी ना हाईलाइटर लगाने की जरूरत पड़ी तो बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ था आपको नज़र भी आ रहा होगा कि गर्दन से लेकर माथे तक बेस जो है वो कितनी अच्छी लगी हुई है थोड़ा सा एक्सेस पाउडर लगा हुआ अब आपको पता है लगाते हैं जब आई मेकअप हो जाता है तो उसके बाद उसको झाड़ देते हैं तो लिपस्टिक का कलर भी बहुत ही प्यारा था उन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फोटोज देख ली है उनको तो ऑलरेडी पता है फाइनल लुक क्या है तो जिन लोगों ने नहीं देखी तो उनके लिए मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ सारे के -सारे के के तो रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों के लिए हालांकि काफी सीन्स ऐसे जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी जैसे लाइनर लगाना का या लेशियज लगाने का क्योंकि उनका हाथ बहुत तेज था और मतलब वो और भी ज्यादा क्लाइंट्स आए हुए थे तो मैं उनको तंग करना नहीं चाह रही थी कि मुझे रिकॉर्ड करने दे बट जितना इजिली मैं रिकॉर्ड कर सकी लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया अभी आप यहाँ पे देखने लिपस्टिक कितने मजे से लगाई है ब्रश से लगाई तो कितने अच्छे जो है ना उन्होंने मेरे लिप्स बनाए मुझे बहुत पसंद आए थे मेरे लिप्स यहाँ पे बने हुए आपको भी पसंद आया होंगे यकीन पिक्चर्स वगैरह में और मुझे अपने चीक की कंट्रोलिंग भी बहुत पसंद आई थी मुझे अपना हाईलाइटर भी बहुत पसंद आया था और जो ब्रोज इन्होंने फिल की थी ना मेरी... वो भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि मेरी ब्रोज कोई भी अच्छी फिल नहीं कर पाता जैसे मैं खुद करती हूँ कि जो नेचुरल शेप है बस वही रहने देती हूँ तो आप देखें यहाँ पे आई मेकअप हो रहा है मेरा और आपके सामने ओवरऑल लुक कितने मजे का लग रहा है पीछे एक और ब्राइड रेडी हो रही है हमारी साथ में आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है तो बस मेहंदी हमारी हो हो गई है नेल्स लग रहे हैं अभी मेरे और ये अभी मैं आपको शीशे में दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ उसके बाद जो है हेयर क्रिम्पिंग होगी और जब मैं हेयर क्रिपिंग मेरी हो रही थी मैं बिल्कुल भूत नहीं लग रही थी उस टाइम पर सीरियसली मैंने कहा ओवर डिप्लेक्सा ने मुझे भूत बना दिया मैंने बोला भी था उसको मैंने कहा यार बहुत ज्यादा नहीं क्रिम्प हो गए बाल लेकिन फिर जब बाद में ओवरऑल लुक आया तो काफी अच्छा आया था हालांकि मेरे बाल काफ़ी छोटे कटवाए हुए थे मैंने आपके सामने तब मेरा शूट हुआ था तब मैंने उसी एक दो दिन पहले ही कटिंग करवाई थी और बहुत छोटे बाल थे अब तो मेरा बाल बढ़ गया है उस टाइम पर बहुत छोटा था लेकिन फिर भी ना बहुत अच्छा हुआ था मैं आपको कह रही मैं भूत लग रही हूँ मैं भूत लग रही हूँ और मरा मैंने हुआ है उल्टे हाथ से अजीब तरीके से खैर जी फिर यहाँ पे इन्होंने मेरा हेयर स्टाइल बनाया है इन्होंने कहा था जैसे आयजा खान ने किसी वीडियो में किया था हेयर स्टाइल के लिए तो वही वाला कर रहे हैं आपका सेम तो इसके बाद ये हेयर स्टाइल के साथ लुक है और बस यहाँ पे भी मैं अपने हेल वगैरह पहनूंगी और चूड़ी वगैरह पहनूंगी जो रह गई है मैंने कहा चलिए आपको शीशे में दिखा दू यहा लाइट कम है मैं ना आपके साथ ऐसा करती हूँ जो मेरी फोटोज आई थी ना बन के वो शेयर कर देती हूँ मुझे वीडियो जो है ना वो अभी तक भी नहीं मिली है प्रोफेशनल पर लोग बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं कि आप शेयर करें क्लिप शेयर करें तो मैंने कहा चले आपके साथ फोटोज शेयर कर देती हूँ मैं आगे वो आप देखो ये मेरे पास कुछ फोटोज हैं जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी देखी होंगी मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी तो मुझे तो बेनतहा पसंद आई थी आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी बहुत ही प्यारा लुक आया था और सब ने कहा था कि आज तक का सबसे बेहतरीन लुक था ये जो आपका आया है और क्लोज में पिक्चर्स बहुत प्यारी थी और डिफरेंट भी थी आई मेकअप और हर चीज जो है वो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वरना ऐसा होता है ना कि जब कोई मेरा मेकअप करता है ना तो वो मेरे फीचर्स ना और ज़्यादा शार्प लगने लग जाते हैं बजाय सॉफ्ट लगने के तो तो इन्होंने ना मेरे फीचर्स को सॉफ्ट ही रहने दिया था मेरे फीचर्स शार्प नहीं लग रहे थे और लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा था और हेयर स्टाइल छोटे वालों में इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था हेयर स्टाइल मुझे अपनी सबसे ज़्यादा ये वाली पिक्चर पसंद आई थी और भी काफ़ी थी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम की डी पी चेंज किए वो भी बहुत ही प्यारी थी तो बस ये मेरा ओवरऑल आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा था आप लोग अपने कॉमेंट्स जरूर करना इन कि आप लोगों को कैसा लगा था आपके क्या रिव्यूज हैं ओवरऑल अच्छा मैं आपको बगैर फिल्टर का दिखाती हूँ वीडियो ये बगैर फिल्टर के वीडियो है और ये था ओवरऑल लुक डे लाइट में यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं थी सिंपल जो फोटोग्राफर का कैमरा था डी एल वो था और ये वाली जो वीडियो है ना ये मोबाइल से बनी हुई ये कैमरे से बनी नहीं हुई है जो मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ये सब वीडियोज मोबाइल की हैं ठीक है ठीके? आप लोगों के लिए ना मैं डिप्लेक्स का एड्रेस फोन नंबर लोकेशन सब कुछ शेयर कर दूंगी आप लोगों ने अपना मेकअप करवाना हो तो करवा सकते हैं भाई तो ये मेरा फाइनल लुक है और मैं भी ये देखें जी और हमने जो है पीछे बालों को कर डाले थे मैं आपको शीशे में दिखाती देखो चेंज करने लगी मैं घर जा रही हूँ पहले मैं सोच रुकी हूँ मासाऊंगी पर रिएक्शन लूँगी पर देख दिया वगैरह क्या मका रिएक्शन के अलावा कुछ होने में <laughs> गुस्सा करेंगे वो अच्छा मैं आपको बेग से दिखा देती हूँ कि मेरे स्टाइल कैसा बनावा देखते थे यहाँ इतना प्यारा है उन्होंने खाना पूरी लगाई थी हाथ खाली न लगे तो काफी मुझे आदत है तो हम जल्दी लगाई थी मेहंदी तो भाई ये मेरा शूट था डिप्लेक्स के साथ जो के अरेंज करवाया थारम पियर एजेंसी ने सबके लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिप्लेक्स का एड्रेस भी डाल दूंगी आप लोग अपने ब्राइडल मेकअप करवाना चाहते हो या और भी सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए तो बहुत अच्छी ऑफर है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी मैं बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज